बहादुरगढ़ इमाई पाटडी की 3 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से। पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर के इमाई पाटडी में 1624-25-26 में शाम के करीब 7 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पाकर दमकल विभाग की 6 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग इतनी भीषण थी कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था, जिसको लेकर बहादुरगढ़ रोड तक झज्जर से फायर की गाड़ियां बुलानी पड़ी और फायर के 36 कर्मचारी और अधिकारी आग बुझाने में जुटे। तकरीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि 1624 फैक्ट्री गत्ते की है, जिसमें कार्टून बनते थे, जिसका मालिक आयुष गोयल समेत विजय कुमार, जो की दिल्ली के रोहिणी के रहने वाले हैं, और 1625 रबर की फैक्ट्री है, जिसके मालिक सुरेश गुप्ता दिल्ली मांगलोई का है। 1626 फैक्ट्री जूते के सोल बनाने का काम होता था, जिसके मालिक उत्कृष्ट सनफ नरेंद्र पसरेजा, जो कि दिल्ली के पश्चिम बिहार से हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की माने तो फैक्ट्री में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है, और जिसके कारण फैक्ट्री में आग लगी थी, सभी फैक्ट्रियों में बगैर फायर एनओसी के नियमों के ताक पर रखकर फैक्ट्रियां चल रही थी, जिससे कि फैक्ट्री में आग लगने के बाद फायर सिस्टम न होने के कारण आग इतनी फैल गई कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, और जिससे कि साथ लगती 2 और फैक्ट्रियां आग की चपेट में आ गई। और इत्तेफाक की बात, तीनों फैक्ट्रियों बगैर एनओसी के चल रही थी। जब फायर अधिकारी विकास कुमार ने फैक्ट्रियों के मालिकों से बात की तो वह मौके पर फायर एनओसी नहीं दिखा पाए और न ही फैक्ट्री के बारे में पूर्ण जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। बहादुरगढ़ में अनेकों ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बिना एनओसी के चल रही हैं, उनके पास फायर सिस्टम नहीं है और वह नियमों को ताक पर चला रहे हैं। प्रशासन भी इन फैक्ट्रियों के बारे में ठोस कदम नहीं उठाता, जिनकी वजह से लोगों की जान जा रही है। पिछले साल 2020 फरवरी माह में बॉयलर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें काफी लोगों घायल हुए थे और कई लोगों की मौत हुई थी, परंतु फैक्ट्रियां चलाने वाले उस हादसे से कोई सबक नहीं ले पाए। वहीं प्रत्यक्षदर्शी रमेश ने बताया कि हमारे गांव के ही आगरा के रहने वाले अमर और गणेश ठेकेदार 1625 फैक्ट्री रबर कंपनी में काम करते थे और शाम की शिफ्ट में थे, और जब आग लगी वह कंपनी में काम कर रहे थे। कंपनी में आग लगने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाए और उसके बाद से वह पता नहीं कि वह जिंदा है या नहीं। वही रमेश का कहना है कि हमने फोन भी लगाए, परंतु दोनों का कोई सा भी फोन नहीं लगा। आग लगने के कारण वह निकल नहीं पाए और दोनों अंदर भी फंस गए। पता नहीं मैं जिंदा भी है या नहीं। प्रत्यक्षदर्शी रमेश का कहना है कि उन्होंने फैक्ट्री मालिक को फोन लगाया तो उनका भी फोन बंद आया। वही प्रत्यक्षदर्शी और फायर अधिकारियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मामला सामने आया, अभी आप मौके पर पहुंचे? मौके पर है भाई, आग अभी कंट्रोल है जी, बस ये बेसमेंट में लगी हुई है, थोड़ी सी इसको कंट्रोल कर लेंगे, मतलब आगे बढ़ने शुरू किया। कितने बजे आग लगी थी और कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं? आग लगी थी तकरीबन 7 बजे, हमारे पास 7:05 का मैसेज था जी, जी 7:03 और 7:05 के बीच में मैसेज था, तो किसान आंदोलन की वजह से आने में थोड़ा सा 20-25 मिनट लग गए, और रोहतक से गाड़ियाँ आई हुई, झज्जर से 2 गाड़ियाँ आई हुई और हमारी 4 गाड़ियाँ। कितने कर्मचारी अधिकारी? 3 अधिकारी हैं और 36 कर्मचारी लगे हुए। और ये बताइए सर, जैसे कि अभी जो है 3 फैक्ट्री में आग लगी है, अभी आप पीछे भी देख सकते हैं कि जो है आग बुझाने का प्रयास जारी है, किस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है इस तरह के? फिलहाल तो किसान आंदोलन की वजह से दिक्कत आ रही है। उन्होंने भी मदद की होगी ना किसान? हाँ, उन्होंने रास्ता दिया हमें, मदद की होगी, पूरी मदद की, बहुत मदद की उन्होंने हमारी, लेकिन ट्रैफिक तो आता ही रहता है। इस मामले में कोई कैजुअलिटी अभी तक तो कुछ सुनने में नहीं आ रहा, कोई कैजुअलिटी पब्लिक ने कुछ बताया नहीं। किस कारण आपसे आग लगी? ये ट्रांसफार्मर है, लाइट गई हुई थी, अचानक लाइट आई तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कर्मचारी काम तो नहीं कर रहे थे? नहीं है, पता नहीं, ये क्लियर भी नहीं है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे जब तक पब्लिक बाहर आग लगी है लगातार ये 3 फैक्ट्रियों में, इसमें कौन सी फैक्ट्री में आप काम करते हैं? सर मैं करता हूँ काम, कहीं हो सर, लेकिन मैं रास्ते में देखा था सर। अच्छा जी, हाँ। क्या देखा आपने? सर मैं देखा तो रबड़ कंपनी में आग लगी सर। रबड़ कंपनी में क्या देखा उस समय? उसमें सर मैं ये देखा था कि आग तो लग चुकी सर, गाड़ी फोन करने बाद काफ़ी देर बाद आई सर। अच्छा, कोई आदमी आपने देखा? हाँ सर, उसमें एक अमर एक गणेश था सर, ठेकेदार। अच्छा, वो दोनों नहीं निकल पाए सर। आप कुछ आँखों में आंसू है, क्या बात है? हाँ सर, आग वही सर है सर, आंसू। कारण क्या है इसका? सर कारण ही सर, निकल नहीं पाए दोनों, गांव के थे सर, काम साथ करते थे। अच्छा, कितने बजे तक कार्य कर रहे थे इस फैक्ट्री में? सर उनकी नाइट ड्यूटी थी, दिन में सर सो रहे थे पीछे फैक्ट्री। अच्छा, में कौन सी फैक्ट्री में थे ये? सर था
कंपनी नंबर सर 25 है। हाँ कौन सा है? 1625 सर। 1625 हाँ सर। अच्छा कितने घंटे काम? बाहर नहीं निकल पाए? नहीं सर, बाहर नहीं निकल पाए सर। अंदर जल चुके हैं इसका मतलब आप? हाँ सर, बाहर नहीं निकल पाए सर। हमारे हिसाब सर वो नहीं निकल पाए सर, समझ लो सर जल ही चुके हैं क्योंकि आग ज़्यादा हो गई थी। आपने उनके घर में जाके पता किया? हाँ सर पता किया, उनके बच्चे से बीवी से मैंने पूछा, नहीं निकल पाए सर। कोई फ़ोन मिलाने का संपर्क किया? हाँ सर संपर्क किया सर, स्विच ऑफ बता रहा फोन सर। कितने? 12 घंटे सर काम। 8 घंटे की ड्यूटी है? 8 घंटे ड्यूटी सर, 12 घंटे काम करते हैं। जबरदस्ती कराते हैं सर? जबरदस्ती क्या सर, अब पेट के खातिर करना। हाँ सर जो चलती है। हाँ सर बराबर। अच्छा आदमी छुट्टी के बाद कुछ रह गए थे या सारे निकल गए थे? सर कुछ रह गए थे, कुछ तोड़ के निकाला गया था शीशा। अच्छा खिड़की खिड़की से निकाला गया तोड़ के सर? खिड़की से बचा लिया गया उनको। हाँ और बचा लिया, इसी कंपनी में रह गए थे दो। अच्छा तकरीबन कितने बंदे होंगे? अंदाजा से कितने? अंदाजा सर रबड़ फैक्ट्री में थे लगभग 7-8 आदमी थे। अच्छा और तो निकल गए, दो ही नहीं निकल पाए। अच्छा दो ही नहीं निकल।